वेलकम बैक टू माय चैनल गुड ईट्स विद अनुपमा। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत ज्यादा थैंक यू, और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है हमारी चीज गार्लिक ब्रेड। आ गया ना मुंह में पानी? तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करना और इस रेसिपी को आप इंजॉय करना। तो सबसे पहले इसके हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेड, साथ में हमें लगेगा ऑरेगानो, चिली लगेगी हमें ग्रीन चिली, गार्लिक क्रश करा हुआ, चिली फ्लेक्स, साथ में हमें लगेगा फ्रेश धनिया और बटर जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। लास्ट में हम लेंगे हमारे चीज स्लाइस, क्योंकि हमें चीज गार्लिक ब्रेड जो बनानी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे चीज गार्लिक ब्रेड के लिए। तो सबसे पहले हम बटर में हमारी गार्लिक ऐड कर लेते हैं, इसके बाद हम ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं, इसके बाद फ्रेश धनिया इसमें हम डाल रहे हैं। आप ग्रीन चिली को स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस चीज का ध्यान रखिए जो हमारा बटर है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये देखिए, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप इस बटर को स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी अगर हमें ब्रेड सेकनी हो तो हम ये बटर यूज कर सकते हैं। हमारा गार्लिक बटर रेडी हो गया है। अब मैं लेती हूँ दो ब्रेड स्लाइस और इस पे मैं ये गार्लिक बटर जो हमने अभी बनाया है इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। दोनों ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं इसे हम। आप चाहें तो थोड़ा बटर कम लगा सकते हैं, लेकिन टेस्ट तभी आएगा जब इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा बटर लगाएंगे। कॉर्नर्स पे भी हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बटर लगने के बाद इसमें हमारी बारी आती है ऑरेगानो की, जिसे मैं दोनों ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट चीज जो ऐड करने वाले हैं वो है हमारी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। ये सारी चीजों के बाद लास्ट में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब लास्ट में बारी आती है हमारी मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा चीज। मैं यहाँ पे चीज हमारी ब्रेड स्लाइस पर रख देती हूँ। मैं इसमें एक और चीज स्लाइस ऐड करूंगी क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, एक और चीज स्लाइस रख दी है मैंने। जो सेकंड वाली ब्रेड है इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देते हैं और इसे थोड़ा सा डैप कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे पैन रेडी हो गया है, गरम हो गया है। थोड़ा सा बटर हम इसके ऊपर भी डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा सा फैला देते हैं। पैन हमारा हो गया है गरम। अब इसमें हम हमारी गार्लिक ब्रेड इस रख देते हैं और इसके ऊपर भी हम हमारा चीज गार्लिक ब्रेड लगाएंगे क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आने वाला है। इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। और अगर आप इसके ऊपर भी ऑरेगानो चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है, ये देखिए। अब इसे हम लिड से ढक देते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद हमें ऐसे दिख जाएगा हमारा बटर ऊपर से मेल्ट हो गया है और फ्लेम्स हमें धीमी रखनी है इस टाइम तक। ये देखिए, अब इसे हम फ्लिप करते हैं। देखिए, ये जो कलर आता है ना, क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर, ये बहुत अच्छा दिख रहा है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है। फिर से इसे हम लिड से ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं।
दो से तीन मिनट बाद फिर से हम हमारी जो गार्लिक ब्रेड है इसे टर्न करने की बारी आ गई है, क्योंकि ये हो गई है। ये देखिए हमारी चीज़ गार्लिक ब्रेड कितनी अच्छी दिख रही है। और जिस साइड हमने गार्लिक बटर लगाया है यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसे अब हम अपनी प्लेट में ले लेते हैं, क्योंकि ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब बारी आती है इसे कट करने की। तो इसे इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। ध्यान से कट करिए आप। अब देखिए ये जो चीज स्लाइस हमारी जो मेल्ट हुई है ये बहुत अच्छी दिख रही है। इसी तरह हम बाकी ब्रेड को अपना चीज गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं। आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।